अयोध्या में बन रहा राम मंदिर वैसे तो ऐतिहासिक है ही, आने वाली पीढ़ियां कम से कम 1000 साल तक रामलला के मंदिर में पूजा करेंगी और भारत की प्राचीन विरासत से रूबरू होती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नामुमकिन काम को ठाना और उसे मुकाम तक पहुंचाया है। जी हां, रामलला के मंदिर का निर्माण ऐसे तकनीक से किया जा रहा है कि 1000 साल तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा, चाहे जितना बड़ा भूकंप या तबाही ही क्यों ना आ जाए। आइए बताते हैं कि राम मंदिर के निर्माण और उसके डिजाइन में क्या है खास। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जोर शोर से हर तरफ तैयारियां चल रही हैं। रामलला के मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि राम मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि आने वाले कम से कम 1000 साल तक उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। राम मंदिर का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CBRI ने राम मंदिर का डिजाइन उसके नींव का काम किया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की में है वो CSIR का एक अंग है, सो वन ऑफ द लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। तो हमने ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके हमने 5 जिम्मेदारियां ली हुई है एक प्रोजेक्ट के तौर पर। राम मंदिर के निर्माण में CBRI के वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। CBRI राम मंदिर से शुरुआती दौर से जुड़ी हुई है। रामलला के टेम्पररी स्ट्रक्चर का निर्माण CBRI ने ही 30 साल पहले किया था और वो 30 साल से उसकी देखरेख भी कर रही है। रामलला के स्थायी भव्य मंदिर के निर्माण और डिजाइन का काम भी CBRI के वैज्ञानिक पिछले 3 साल से कर रहे थे। CBRI के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति का भी समावेश किया गया है। मंदिर का डिजाइन फाइनल होने से पहले CBRI के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर पर मंदिर के 50 मॉडल तैयार किए। इन डिजाइन्स को तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। तो पहला है जो मेन जो टेंपल है उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन वो CBRI ने किया है, और दूसरा जो सूर्य तिलक का जो डिज़ाइन मैकेनिज्म है वो भी CBRI कर रही है, और जो स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन डिज़ाइन वेटिंग CBRI ने किया है, और जो स्ट्रक्चर का जो हेल्थ मॉनिटरिंग है तो जो मतलब भूकंप आता है या स्ट्रक्चर का थोड़ा जो भी ये मतलब वो मॉनिटरिंग करना वो CBRI कर रही है। रामलला मंदिर के निर्माण के दौरान पूरे भवन में कोई सरिया नहीं लगा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। पूरे मंदिर में कॉलम को एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से निर्मित किया गया है। यही नहीं, मंदिर की नींव में सेंसर लगाए गए हैं और वही सेंस स्टोन से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के निर्माण के दौरान रुड़की CBRI के अलावा देश की 5 IIT के वैज्ञानिकों से भी सलाह ली गई है। रैप्ट और प्लिंथ में हम लोगों ने सेटलमेंट सेंसर लगाया है। जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम लोग कभी कभी बोलते हैं बिल्डिंग बैठ रहे हैं, तो ये कितना सेटल कर रहा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और मान लीजिए कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी कितना सेटल कर रहा है वो जानने के लिए हम लोगों ने इसमें सेटलमेंट सेंसर लगाया है। सेटलमेंट सेंसर लिक्विड लेवल सेंसर है और बोरहोल एक्सटेंसोमीटर है जो प्लिंथ और रैप्ट पे लगा हुआ है। नॉट ओनली प्लिंथ और रैप्ट, कुछ सॉइल कुछ अप टू ए 30 मीटर डेप तक भी सेटलमेंट सेंसर लगा हुआ है। उसके बाद एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है वो रैप्ट में भी लगा हुआ है और स्ट्रक्चर में भी लग रहा है। राम मंदिर के निर्माण के दौरान भूकंप के कारण होने वाली क्षति का खास ख्याल रखा गया है। CBRI ने इसकी उम्र कम से कम 1000 साल निर्धारित की है, यानी कम से कम 1000 साल तक मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब रामलला को टेंट के नीचे स्थापित किया गया था उस समय रुड़की CBRI के वैज्ञानिकों ने ही टेंट भी तैयार किया था। टेंट की खासियत थी कि उस पर ना तो आग और ना ही पानी का कोई असर होता है। भव्य राम मंदिर में सूर्य तिलक के लिए भी खास डिजाइनिंग CBRI ने ही की है। सूर्य तिलक का मतलब मंदिर में
जगह जगह सूर्य की किरणों के आने की व्यवस्था करना है। साथ ही राम मंदिर में जगह जगह मूर्तियों को स्थापित करने में भी CBRI के वैज्ञानिकों की टीम की अहम भूमिका रही है। अभी टेम्पररी जो स्ट्रक्चर है उसका जो तिरपाल जो कैनवस है ना, फायर रेसिस्टेंट कैनवस, जो लगभग 94 से लेकर अब तक CBRI उसको प्रोवाइड किया है। तो CBRI का एसोसिएशन इस टेम्पल से लगभग 30 साल से है, और ये जो अभी मेन टेम्पल जो बन रहा है वो करीब 3 साल से वो काम चल रहा है। कोविड के टाइम पे भी इसका काम लगातार चल रहा था। सो 2020 से जो काम चल रहा है, अभी लगभग डिजाइन का काम पूरा हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। CBRI के मुताबिक मंदिर के डिजाइन का काम पूरा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर की पहली मंजिल पूरी तरह तैयार कर ली गई है। मंदिर की दूसरी मंजिल पूरा होने में अभी भी 1 साल का समय और लगेगा। कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर अध्यात्म और तकनीक का दुनिया भर में एक ऐसा अनूठा मिसाल बनेगा जो आने वाली कई पीढ़ियों को कम से कम 1000 साल तक भारत की परंपरा और विरासत के बारे में बताएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।